वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनील लेक्चर्स में आपका स्वागत है। तय दिल से हम आपका फिर से वेलकम करते हैं। जस्ट इसके पहले आप वीडियो ले चुके हैं केमिकल रिएक्शन का, रासायनिक अभिक्रिया का। उसमें बताया गया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया को क्यों पढ़े। हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं का योगदान है। फिर से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर इस चैनल पे है तो अपने जितने भी दोस्त जा रहा हूं उनमें अच्छा कॉन्टेंट देने के लिए इस वीडियो को शेयर करिए। और आप मुझको अगर पारितोषिक देना चाहते हैं, अगर मेरा खैरम कदम करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इससे अगर आप लगातार बने हैं तो कसम खुदा की आपको IIT जेईई मेंस तक ले जाएगा, है ना। और आइए ज्यादा बात ना करते हुए अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। जस्ट इसके पहले हम लोग समझ चुके हैं दोनों, इस अगर वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, इससे पहले वीडियो पढ़ चुके उसको देख लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। मैं फिर से एक बार दिखाऊं, रिएक्टेंट है ना, दिस गिव्स क्या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट दिस गिव्स क्या प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं क्या अभिकारक, क्या बोलते हैं अभिकारक। और यह देता है क्या उत्पाद। मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करना चाहता हूँ। दुनिया का कोई भी क्लास हो, आप किसी भी क्लास में बैठने से पहले जो चीजें पीछे पढ़े हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए, इससे आप अपडेट हो जाएंगे। और अपडेट जब तक नहीं होंगे तब तक ढंग का काम नहीं डिस्टर्बेंस हो गया था। हाँ, उसी क्रम में बढ़ते आगे, रिएक्टेंट और उत्पाद, ठीक है, अभिकारक और उत्पाद। थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल करना चाहूंगा, अपडेट करना चाहूंगा। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अभिकारक, अभिकारक का मतलब क्या होता है। अभिकारक का मतलब होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले जितने भी रासायनिक पदार्थ उसमें भाग ले रहे हैं उसे क्या कहते हैं अभिकारक। और अभिकारक के बाद क्या बनता है उत्पाद। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब कंप्लीट हो जाती है, जब रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है, जो नया उत्पाद बनता है, नए गुणधर्मों वाला जो पदार्थ बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दो चीजों से मिलकर बना है, एक अभिकारक और एक उत्पाद, ठीक है। अब हमको समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया, एक समझ लिया हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर से एक बार फिर से हम समझाएंगे आपको, जो वीडियो को देख रहे हो ध्यान से देखेंगे और इसको बीच बीच में पूछ करके, ठीक है, बातों को सुन करके और लिखते चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक या एक से अधिक नए गुणधर्मों वाले रासायनिक पदार्थों का क्या करें उत्पादन करें, इसे क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर आसान लैंग्वेज में हम कहें, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक या एक से अधिक नया उत्पाद बनाता है, इसे हम क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है, आई बात समझे, ठीक है। अब देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, रासायनिक समीकरण की, है ना, रासायनिक समीकरण, है ना। अब रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं और रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं, ठीक है, सुनिए। जो लोग ध्यान नहीं दे रहे इधर ध्यान दे, है ना, फालतू का बात ना करें। देखो, रासायनिक समीकरण, अगर मैं कहूं कि ए अभिकारक, ए क्या है अभिकारक, कल पानी और शर्बत का एग्जाम्पल दिए थे ना कि चीनी प्लस पानी प्लस नींबू, ये क्या है अभिकारक। और तीनों के मिलाने के बाद जो बना वो शर्बत क्या है, शर्बत क्या है उत्पाद, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ ए प्लस बी, ये अभिकारक है। सबसे पहला किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए तीन पॉइंट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला पॉइंट कि जब भी आप कभी अभिकारक और उत्पाद को लिखेंगे तो उसके बीच में हमेशा क्या लिखेंगे प्लस। यह किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का शर्त है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। आप नॉर्मली देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन को, रट लेते हैं, लेकिन सोचते नहीं कि चीजें कहां से उठ के आई। तो आज हम लोग इस सेशन में बैठे हैं और इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। एक एक डाउट क्लियर करना हमारा क्या नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। ए प्लस बी, ये क्या अभिकारक है, मान लीजिए उत्पाद दे रहा है क्या सी प्लस डी, सी प्लस डी, ए भी मत, ऐसे भी इसको तुम्हारे कल एग्जाम्पल देते ए बी, ये भी उत्पाद है, ये भी उत्पाद है। अभी आपको कोई केमिकल रिएक्शन दिखा रहे हैं, कोई यहाँ प्रतीक रख रहे कि फिक्स है कि आएगी, मैं एक समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। देखिए, अब इसमें तीन पॉइंट, पहला पॉइंट कि जितने भी अभिकारक और उत्पाद हैं उनके बीच में क्या लगाएंगे प्लस, ठीक है, क्या लगाएंगे प्लस। दूसरी बात, आप अभिकारक एलएचएस
एलएचएस बराबर आरएचएस होता है कि नहीं, तो दोनों पक्ष लिखेंगे। अभिकारक को हमेशा किधर लिखेंगे, एलएचएस की तरफ। अभिकारक को हमेशा किधर लिखेंगे, और उत्पाद को हमेशा किधर लिखेंगे, मतलब जितने भी रिएक्टेंट होंगे आपके, अभिकारक जितने भी होंगे किधर लिखेंगे, इधर, और उत्पाद को किधर लिखेंगे, इधर, है ना, प्रोडक्ट इधर लिखेंगे। आ रही बात सबको समझ में, किसी को कोई दिक्कत? इधर लिखेंगे अभिकारक और इधर लिखेंगे क्या, उत्पाद। और देखिए हमेशा इसमें एक एरो मारेंगे, हमेशा इसमें एक तीर मारेंगे, किसकी तरफ, उत्पाद, अभिकारक से किधर, उत्पाद की तरफ। यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का एक सीक्वेंस है, एक तरीका है। बात समझ में आया कि नहीं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का एक सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले अगर आप अभिकारक या उत्पाद को दिखाते तो उसके बीच में क्या लिखेंगे, प्लस। क्या कभी आपने माइनस देखा है? नहीं। कभी देखा माइनस? क्या देखा कि एमजी माइनस सीएल टू देखा कभी? नहीं ना। क्यों? क्योंकि इसका रूल है कि हमेशा आपने क्या, इसे मतलब इसमें जुड़ रहा है इसे प्लस लगाते हैं। आई बात समझने, ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। एक बात, जीरो से हीरो बनाएंगे आप, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, है ना। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का ये सीक्वेंस होता है कि पहले आप अभिकारक और उत्पाद लिखेंगे, तो अभिकारक के बीच में आप प्लस लगाएंगे और उत्पाद के बीच में भी क्या लगाएंगे, प्लस। जो अभिकारक होगा वो दाहिने बाएं साइड में रहेगा और जो उत्पाद होगा किधर रहेगा, और अभिकारक और उत्पाद में एक क्रम दिखाने के लिए कि अभिकारक से बना है क्या, उत्पाद, तो यहाँ क्या लगाएंगे, तीर। आई बात समझ में? किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आपको समझना है कि रासायनिक संकर किसे कहते हैं, रासायनिक संकर किसे कहते हैं। रासायनिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अभिव्यक्त करने के लिए, सुनिएगा, किसी भी रासायनिक संकरण को, अभिक्रिया को अभिव्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए जिन प्रतीकों की हमको आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं प्रतीकों के समूह को हम क्या कहते हैं, रासायनिक संकरण। क्लियर है? नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त अभिव्यक्त करने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को अभिव्यक्त करने के लिए हमें जिन रासायनिक प्रतीकों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें को हम क्या कहते हैं, रासायनिक संकरण। क्लियर है? जैसे मान लीजिए सी और प्लस क्या, ओ टू, दिस इज क्या, सी ओ टू, तो यह पूरा क्या है, रासायनिक संकरण। मैंने रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया कि नहीं? अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखिए, एक प्रतीक संकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, यह रासायनिक प्रतीक संकरण है ना। जो रासायनिक संकरण है वो दो टाइप का होता है, देखिए, एक होता है प्रतीक संकरण, है ना, और एक क्या होता है, शब्द समीकरण, है ना। लेकिन सबसे बेस्ट होता है जो कौन होता है, प्रतीक समीकरण, है ना, या आणविक संकरण भी बोल सकते हैं। क्लियर है? देखिए ये रासायनिक प्रतीक है कि नहीं, सी प्लस ओ टू, दिस इज क्या, सी ओ टू, है ना। तो ये प्रतीक संकरण अगर शब्द में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे शब्द संकरण से क्या, कार्बन प्लस क्या, ऑक्साइड, कार्बन प्लस क्या, ऑक्साइड, दिस इज क्या, कार्बन, क्या लिखेंगे इसको, कार्बन डाई ऑक्साइड। कोई बुराई वाली बात नहीं ना, बात समझ में आया। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अव्यक्त करने के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अव्यक्त करने के लिए जिन शब्दों या प्रतीकों का हम उपयोग करके दिखाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक संकरण। रटने वाली बात है, कभी रटिएगा मत। देखिए भाई, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, अलग अलग राइटर अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि सेंस कभी नहीं बदलेगा। जैसे मैं कहूं कि मेरा घर, चाहे ऐसे मैं कहूं दशरथ राम के पापा थे, राम के पापा दशरथ, दोनों सेंस एक ही निकल रहा ना, लेकिन मेथड क्या है कहने का, अलग अलग है। उसी प्रकार से जितने भी टीचर होंगे, राइटर होंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन सबका सेंस वही रहे, सबकी बात वही रहे। बात समझ में आया? फिर से समझिए कि रासायनिक संकरण किसे कहते हैं। पहली बार रासायनिक अभिक्रिया को लिखना जानते हैं, कैसे लिखना है, और रासायनिक संकरण किसे कहते हैं। लेकिन अभी एक ही हम लोग स्किप करके रखते हैं, चीज को बचा करके रखते हैं कि कैसे पहचाने कहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्यों? अभी मैंने ये बताया आपको कि कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसको पहचानेंगे कैसे, है ना। तुम इतनी भीड़ में पहचानोगे कैसे? आशी टू में एक डायलॉग बोला जाता है ना, हीरो बोलती है कि तुम इतनी भीड़ में पहचानोगे कैसे, तो तुम इतनी भीड़ में पहचानोगे कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया कहां हो रही है। लेकिन फिलहाल अभी रासायनिक संकरण को समझिए, सुनिए।
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, फिर से वंस अगेन सभी लोग सुनेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अव्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का या जिन प्रतीकों का हम उपयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक संकरण, उसी को हम क्या कहते हैं, आई बात समझ में। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अभिव्यक्त करने के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अभिव्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का जिन प्रतीकों का हम उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक। कोई बुराई वाली बात नहीं ना। अब देखिए, अब आपके सामने कॉमन सेंस से, किताबी कीड़ा मत बनिएगा, कॉमन सेंस से देखिएगा कि जो रासायनिक संकरण है कितने टाइप का हो सकता है, देर आर टू पॉसिबिलिटीज, या दो संभावनाएं हैं, या तो मैं इसको प्रतीक संकरण कह दूं क्योंकि प्रतीक है भाई, है कि नहीं, प्रतीक मतलब चिन्ह है कि नहीं, कार्बन को सी से दिखाते हैं और ऑक्साइड ऑक्सीजन को ऑक्साइड हो गया, क्यों, तो इसको या तो प्रतीक संकरण कहिए या तो क्या कहिए। अब देखिए मैं आपसे पूछूं, आप वैज्ञानिक बनिए एक पल के लिए, मैं आपसे पूछूं कि यह शब्द संकरण बढ़िया है प्रतीक संकरण बढ़िया, तो आप इसको प्रयोग करिए क्योंकि इसको लिखने में क्या है तो ज्यादातर यूज किसका होता है, प्रतीक संकरण का, इसका नहीं होता। आई बात समझ में, ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ से नोट डाउन, जितने भी लोग अगर ऑनलाइन क्लास इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, जो लोग ऑनलाइन क्लास तय कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। चलिए भाई, हम लोग किसी भी रासायनिक संकरण को है ना कैसे, कितने टाइप का रासायनिक संकरण आप जान सकते हैं, रासायनिक संकरण के प्रकार कौन कौन भाई, रासायनिक संकरण के प्रकार कोई बोला है चार है ना, रासायनिक संकरण के प्रकार देखिए भाई, पहली बात एक बैलेंस के आधार पे, बैलेंस मतलब जानते हैं हिंदी में कहेंगे क्या, संतुलन, संतुलन के आधार पे आप रासायनिक संकरण को दो भागों में बांट सकते हैं, कौन जी की ट्वीट कर रहा है, ठीक है, संतुलन के आधार पे हम रासायनिक संकरण को दो चीजों में बांट सकते हैं और एक होगा किसके आधार पे, अव्यक्त करने के आधार पे, अव्यक्त अव्यक्त करने के आधार पे, अव्यक्त करने के आधार पे, ठीक है। देखिए पहली बात अव्यक्त करने का आधार पे आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर से समझिए कि रासायनिक संकरण किसे कहते हैं, रासायनिक संकरण का मतलब क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए जिन शब्दों को जिन प्रतीकों की हमको जरूरत पड़ती है और उसी के समूह को हम क्या कहेंगे, रासायनिक संकरण कहेंगे, क्लियर है, आई बात समझ में, ठीक है। अब उसी क्रम में देखिए, संतुलन के आधार पर जो संकरण होगा वो कितने टाइप का होगा, दो टाइप का, एक संतुलित संकरण और एक क्या, एक संतुलित संकरण और एक क्या, देखिए भाई गर्मी बहुत ज्यादा है ना, संतुलित समीकरण और एक क्या, असंतुलित समीकरण। अब कि क्या होगा संतुलित समीकरण और क्या होगा असंतुलित समीकरण, ठीक है, अभी बताया कि है ना। देखिए संतुलित समीकरण का मतलब क्या होगा, असंतुलित समीकरण का मतलब क्या होगा, जस्ट अभी बताएंगे, लेकिन इसके पहले अभी आप लोगों ने अभिव्यक्ति के आधार पर समझा था, दो टाइप का होगा, एक क्या शब्द समीकरण, एक क्या शब्द समीकरण और एक क्या प्रतीक समीकरण, प्रतीक समीकरण, क्लियर है। देखिए संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण का बवाल आप पूरे केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे और आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संतुलित करते हैं, संतुलित करते हैं, अगर LHS बराबर RHS है तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, और अगर LHS बराबर RHS नहीं है उसे क्या कहेंगे, एज फॉर एग्जाम्पल यह यही चीज है, लेकिन बैलेंस के आधार पर भी हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, संतुलित समीकरण और असंतुलित, बात समझ आया, संतुलन के आधार पर समीकरण कितने टाइप बन सकते हैं, दो टाइप का। अब देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि अगर संतुलित समीकरण किसे कहेंगे, सुनिए संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण का मतलब यह है कि अगर LHS नॉट इक्वल, LHS इज इक्वल टू क्या, RHS, मतलब मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मॉलिक्यूल ऑफ
प्रोडक्ट। ज्यादा अंग्रेजी हो रही तो हिंदी में करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि विकास आप हिंदी मीडियम वाले हो, है ना। अगर नहीं आ रहा समझ में अविकार, इतने लोग आए इसको समझ नहीं आ रहा भाई, किसी कोई डाउट, किसी को दिक्कत नहीं ना, किसी विद्यार्थी को डाउट हो बोले।